बहुत ज़्यादा रश है, रास्ते बंद हैं, तो आप कार में यहाँ तक आ सकते हैं। बाकी अगर आपने वुशु वगैरह जाना है तो रास्ता कार के लिए नहीं, जीप के लिए खुला है। ये यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ सैयाह यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा कुछ सैयाह वहाँ पर मौजूद है सामने। अगर आप देखें रोड बिल्कुल जाम है, इंतज़ामिया की तरफ से कोई यहाँ पर रुकन मौजूद नहीं है, और सैयाह यहाँ मतलब जंगल के मुकाम पर यहाँ रुक जाते हैं। आगे रास्ता बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, गाड़ियाँ जो है ना आमने सामने हैं, और हालात बिल्कुल ख़राब हैं। सैयाहों की गाड़ियाँ जो है ना वो आमद जारी है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। वुशु जाना चाहते हैं, जंगल के मुकाम पर जाना चाहते हैं, लेकिन रोड यहाँ पर बिल्कुल जाम है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई मतलब इसके लिए पुलिस एहलकार या कोई यहाँ पर नहीं है, तो काफ़ी मुश्किलात है यहाँ पर। अगर हम आपको दिखाएं तो सैयाह गाड़ियों से नीचे उतर कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो बर्फबारी से बर्फ़ से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। सामने भी अगर आप देखें तो जंगल अभी शुरू ही, जंगल के शुरू में रास्ता जो है ना वो जाम हो जाता है, और जाम है। ये जो ट्रकें खड़ी हैं ना, इसने सारा मसला ख़राब कर दिया है। दो तरफा ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ सिंगल, तो वो कोई इंतज़ार ही नहीं करता, हर किसी को जल्दी है, और बस यही सूरत हाल है। ये जंगल के शुरू में ये है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ ये जो ट्रैफिक जो मामूल है वो मामूल के मुताबिक नहीं है। ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक चलाने के लिए यहाँ पुलिस का होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बर्फबारी के बाद सैयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ हमारे साथ कुछ सैयाह मौजूद है, कहाँ से आए इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप लोग आए? मेरा नाम आयशा है, और मैं कराची से आई हूँ, हमारा फर्स्ट टाइम है। अच्छा। यहाँ स्नोफॉल देखने आए थे, लेकिन वो तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ठंड है, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर?
यहाँ पर यहाँ का यहाँ के व्यूज अच्छे हैं और वो जो लेक्स वगैरह हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे लगे हमें। अच्छा, और अब हम कलाम फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो पड़ी बर्फ है वो आपको कैसी लगी? हाँ, वो बहुत अच्छी लगी, हमने बहुत ज्यादा पिक्चर्स ली, सबसे अच्छे फोटोग्राफर हमारे साथ थे इस वजह से। ठीक है। अच्छा, आप बताएं आपका नाम क्या है और आप क्या कहेंगे, जो पड़ी बर्फ है आप लोगों ने इंजॉय किया कि नहीं? मेरा नाम किंजा है, मैं कराची से आई हूँ और हम यहाँ आने के बाद इसके व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा जो है हमने बहुत इंजॉय किया और ये ठंड भी बहुत अच्छी है। क्या पैगाम देना चाहेंगे दिगर सयाहों को कि वो आए ना आए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आए, यहाँ के व्यूज़ देखें, इतना खूबसूरत मंजर है इसको, मतलब ये ऐसा मौसम इसमें आना चाहिए और पाकिस्तान इंजॉय करना चाहिए। सवाद अच्छा है, कलाम अच्छा है, सब बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ के नज़ारे देखने चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 3 दिन पहले ये बर्फबारी हुई है, अब जो पड़ी बर्फ है उसको देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने इस वादी का रुख कर लिया है और मतलब ऐसा एक बात मैं कहूँगा यहाँ पर कि हल्ला बोल दिया है, तो सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ साथ ट्रिप का थोड़ा बहुत मसला है, उससे मेरा ख्याल है कि ज़िले इंतज़ाम निमट लेगी और तैयारियाँ करके के ट्रिप को रवा दवा रखने के लिए इकदाम करेंगे। मेरा नाम नबील है, मैं कराची से आया हूँ। अच्छा। और हम इतना सफ़र तय करके आए हैं सिर्फ स्नोफॉल देखने के लिए, क्योंकि हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारे जो एरियाज़ हैं उधर स्नोफॉलिंग नहीं होती और वो थोड़े गर्म एरियाज़ हैं और हम लोग जो हैं वो हमें पसंद है ये, हम पूरे साल का इंतज़ार करते हैं। ठीक है। और काफ़ी लोग जो हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो मेरे ख्याल से मूव करते हैं, लेकिन हम लोग कराची से स्पेशली इतना सफ़र तय कर कम से कम कोई 35-40 घंटे का सफ़र तय कर हम इधर आए हैं सिर्फ स्नो फॉलिंग देखने। हालात सिर्फ यही पेश आई हैं कि रास्ते के अंदर जो है ये ट्रक्स हैं बहुत सारे, तो गाड़ियां जो है अक्सर जाम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ाम बहुत अच्छा है। सवात की जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, वो बहुत अच्छी है, वो इसमें वर्क कर रही है, कोऑपरेटिव। पिछली बार जब हम आए थे तो रोड्स बहुत ख़राब थे, लेकिन इस बार रोड्स बहुत अच्छे हैं, जैसे बहरीन से कलाम का रोड जो था वो बहुत ख़राब था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? ऐसा नाम है। अच्छा, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि खूबसूरती है, ठंडा मौसम है, इंजॉय करने आ रहे हैं, कुदरत को देखने आ रहे हैं और बस इंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये मेरा भाई जो है लाहौर से आया, ख़राब हो गया धूप में। नहीं, कराची से ही आया मैं, इंजॉय करने आया, इंजॉय कर रहे हैं। बारबेक्यू के लिए तैयारी की जा रही है, बर्फ और बीच में बारबेक्यू के लिए तैयारियां जा रही है। गरम गरम खाए और सेहत बनाए और सर्दी से बचाए। ग्रिल किया हुआ इसकी साथ चटनी और ट्राउट फिश। अगर आपने जब भी कलाम आना हो तो ट्राउट फिश के बगैर नहीं जाना, बेहतरीन ट्राउट फिश। और इसको पकाने वाला, इसको जो ग्रिल किया गया वो बेहतरीन अंदाज से किया गया है। ये आप देख सकते हैं बर्फ के बीच में सर्दी से बचने के लिए बेहतरीन एक मंजर।